भारत की कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमेशा देश के नागरिकों के साथ भेदभाव किया, तुष्टिकरण किया, लोगों को भ्रमित किया, लोगों को दिग्भ्रमित करके उसका पूरा फायदा उठाकर सत्ता को हाथ में लिया एवं देश को वो जख्म दिए हैं, देश को वो जख्म मिले हैं जिनको भरना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इतने वर्ष बीत गए भारत को स्वतंत्र हुए, परंतु उन जख्मों से आज भी रिस रिस कर वह लहू टपक रहा है, रिस रिस कर वह टपकता हुआ लहू शरीर को पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है कि जिसे देश को सहन करना असंभव हो रहा है। यही वास्तविकता है, यही सत्ता है कांग्रेस की, रणनीति की।